देश में कोरोना वायरस संक्रमितों की संख्या बढ़कर 900 के पार चली गई है, जबकि अब तक इस वायरस से 20 लोगों की जान गई है। वहीं मरीजों की संख्या लगातार तेजी से बढ़ रही है। ऐसी परिस्थिति में जहां लोगों को घर में रहने की सख्त हिदायत दी जा रही है, वहीं हमारे देश में पुलिसकर्मी अपनी जान की परवाह किए बगैर लोगों की सुरक्षा में लगे हुए हैं। लेकिन लोग मामले को गंभीरता से ना लेते हुए इन्हें ही गलत समझ रहे हैं। पुलिस लगातार जनता की सुरक्षा के लिए ही लॉकडाउन में बिना काम के बाहर निकल रहे लोगों पर कार्यवाही कर रही है। वहीं शहर में लगातार गश्त कर लोगों को समझाइश दे रही है कि अपने घर में ही रहें, जिससे कि उनके साथ उनके परिवार की भी कोरोना वायरस से सुरक्षा हो सके। ऐसे में हम हर रोज देख रहे हैं कि पुलिस कोरोना वायरस की जंग में खुद खतरा उठाकर आप लोगों को इस खतरे से बचाने के लिए संघर्ष कर रही है। इस दौरान लोगों द्वारा पुलिस की सख्ती पर आपत्ति भी जताई जा रही है। लोगों का कहना है कि पुलिस ने डंडे क्यों चलाए, उठक बैठक क्यों लगवाई। ऐसी ही कई कार्यवाहियों के ऊपर लोग आपत्ति जता रहे हैं। लेकिन ध्यान रखने वाली बात यह है कि पुलिस की कार्यवाही जायज है। उन लोगों पर जो अनावश्यक इतनी अपील करने के बाद भी घूम रहे हैं, जो लोग समझने को तैयार नहीं है, सिर्फ हीरोगिरी दिखाने में अपने साथ साथ अपने परिवार की जान जोखिम में डाल रहे हैं, ऐसे लोगों के लिए पुलिस को मजबूरन डंडा उठाना पड़ रहा है। अरे आखिर पुलिस करे भी तो क्या करे, इतनी नसीहत अपील हिदायत के बाद भी लोग नहीं सुन रहे हैं। वहीं जब कोरोना वायरस का संक्रमण लगातार फैलता जा रहा है, कुछ समय बाद यही लोग कहेंगे कि पुलिस को सख्ती दिखानी चाहिए थी और पुलिस की कार्यशैली पर सवालिया निशान खड़ा करेंगे। लेकिन ये सख्ती जरूरी है उन लोगों के लिए जिन्हें अभी भी इस महामारी की गंभीरता नहीं समझ में आ रही है। वहीं खाकी वर्दी का मानवता वाला चेहरा भी इस दौरान उजागर हुआ, जहां पुलिस ने गरीबों को हाथ धुलाकर खाना खिलाया, जरूरतमंदों की सहायता की, सोशल डिस्टेंस का पालन न करने वालों को हिदायत दी। यह वक्त इन खाकी वर्दी वालों को सलाम करने का है, जो अपने परिवार वालों को घर पर अकेला छोड़कर हमारे लिए, हमारी सुरक्षा के लिए तैनात है। आर्ट इंडिया न्यूज आप सभी से अपील करता है कि प्रशासन का सहयोग करें और नियमों का पालन करें, क्योंकि जब हम सब साथ मिलकर इस कोरोना रूपी जंग से लड़ेंगे तो निश्चित ही हमें इसे हराने में कामयाबी मिल जाएगी और बहुत जल्द देश में फिर सामान्य स्थिति आ जाएगी। आप सभी से अपील है कि घर में रहें और सतर्क रहें, क्योंकि सतर्कता और सुरक्षा ही कोरोना वायरस से बचाव है। मैं आपके माध्यम से, मीडिया बंधुओं के माध्यम से आम लोगों से अपील करना चाहूँगा कि जो माननीय प्रधानमंत्री जी के द्वारा 21 दिन का लॉकडाउन घोषित किया गया है, उसमें किसी भी तरह से घबराने की बिल्कुल आवश्यकता नहीं है। जो रोज़मर्रा की आवश्यकता की सामान है, चाहे वो सब्जी हो, फल है, दूध है, किराना सामान है, मेडिकल है, पेट्रोलियम पदार्थ है, जो घरेलू गैस है, ये लगातार उपलब्ध रहेंगी और ना तो दुकानों में ख़त्म होगा और ना ही किसी तरह से सप्लाई में कोई प्रॉब्लम आएगी। कई बार लोगों को लगता है कि सब दुकानों पर ख़त्म हो जाए, मुझे कैसे मिलेगा, ऐसा कोई चिंता वाली बात नहीं है। प्रशासन ने बाकायदा इनकी सारी व्यवस्थाएं की हुई हैं, जो व्हीकल हैं, वाहन हैं, उनको बाकायदा परमिशन दी गई है ताकि लगातार जो सप्लाई चेन है वो सभी को मिलता रहेगा। अपील इस बात के लिए भी है कि आप खुले में बेवजह ना घूमें, अपने परिवार के साथ, फैमिली के साथ घर का दरवाज़ा बंद करके आप घर के अंदर रहें। ये भी देखने में आ रहा है कि लोग घर के बाहर बैठे हुए हैं, दो दो चाचा लोगों के ग्रुप में बैठे बातचीत कर रहे हैं, ये ठीक नहीं है। ज़रूरी है कि आप अपने घर के अंदर रहें, बच्चों के साथ टाइम दें। 21 दिन की बात है, ऊपर वाला चाहेगा, सब व्यवस्था बेहतरीन है और सब हम इस विपत्ति से, इस महामारी से निपट लेंगे। आप सभी का सहयोग की अपेक्षा है। बेसिकली मैं ये संदेश देना चाह रही हूँ कि जो समस्या हमारे सामने है उसकी गंभीरता को हम लोग समझें, और केसेस की संख्या पहले से बढ़ी है, कुछ और सस्पेक्टेड केसेस हैं जो सैंपल के लिए गए हुए हैं, तो अब कुछ उसमें जो एपिसेंटर है जहाँ पर ये केस पॉजिटिव पाया गया है, जिस घर में, जिस मल्टी में, बिल्डिंग में, जहाँ पर भी ये केस पॉजिटिव पाए गए हैं उनको एपिसेंटर माना गया है, इनको हम चिन्हित करने जा रहे हैं।
ताकि मोहल्ले के आसपास के लोगों को भी या जो उस मोहल्ले में आ रहे हैं लोग किसी भी कारण से आ रहे हैं उनको मालूम हो कि उनको उस एरिया के आसपास में सेफ्टी पूरी बरतना है। दूसरा, एक कंटेनमेंट जोन बनाने के निर्देश हैं केंद्र सरकार के, जिसमें ऐसे एपिसेंटर से एक निश्चित दूरी के घेरे में जितने भी लोग आते हैं उनको उस घेरे के भीतर ही रखना है, यानी उनका मूवमेंट बाहर और बाहर का मूवमेंट अंदर अलाउ नहीं करना है। तो इसके लिए हम जो एरियाज़ हैं, जो एपिसेंटर्स पाए गए हैं अभी तक, उनकी उनके लोकेशन के हिसाब से उनकी एरिया मैपिंग हम करने जा रहे हैं ताकि कंटेनमेंट जोन को व्यवस्थित किया जा सके और ऐसे जो कंटेनमेंट जोन में जो भी एरियाज आएंगे उनको बैरिकेड किया जाएगा। और जब कर्फ्यू में जो ढील का समय है जिस दौरान आप अत्यावश्यक सामग्री खरीद सकते हैं। इंदौर से दाऊद कुरैशी की रिपोर्ट।